मैम याद नहीं आ रहा है मैम, बट ये है कि हाँ वो पढ़ते हैं हम सलात के टाइम, ये शुक्र मतलब शुक्र नमाज शुक्रन। मैं जवाब खुद दे दूं? मदीने को जाए जी चाहता शाहे मदीना। यसरब यसरब यसरब, बिल्कुल सही जवाब। डरने के बगैर बताए अवल कलमा याद है? दरसगाह जाते हैं आप अवल कलमे तायब? नहीं नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ते हो? पता नहीं क्यों हिचकिचाते हैं जब वो कैमरा सामने देखते हैं। लेकिन मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन जब मैंने सुना कि रमजान के हवाले से बात हो रही तो मैंने सोचा एटलीस्ट बहुत शुक्रिया। कश्मीर लाइफ की हमेशा से यही कोशिश रही है कि हम आप तक ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पहुँचाएँ, और हम वक्तन फवक्तन ऐसे प्रोग्राम्स ऐसी सीरीज़ आप तक पहुँचाते हैं जिससे आपकी और हमारी दोनों की मालूमात में इजाफा होता है। रमदान के इस बाबरकत महीने में हमने सोचा क्यों ना हम आप तक एक सीरीज़ पहुँचाएँ। बहुत गौर फिक्र करने के बाद हम आप तक ये सीरीज़ पहुँचा रहे हैं जो एक क्विज बेस्ड सीरीज़ है, जिसमें हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और सही जवाब देने पर आपको इनाम भी मिलेंगे। जी हाँ नाजरीन, ये सीरीज यानी जश्न रमजान कमल फूड एंड स्पाइसेस, जामकेश व्हीकल लीड्स और अलोहा लर्निंग सेंटर के इश्तराक से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस सीरीज के लिए मैं सबरीन अशरफ आपकी मेजबान रहूंगी। तो आइए चलते हैं इस नए सफर पर। पहली शख्स जो हमारे साथ जुड़ी है इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुआ है। दुआ कहाँ से है आप? मैं बेमना से हूँ। बेमना से है। हम आपको बता दें हम कश्मीर लाइफ से हैं और आज हम एक और सीरीज का आगाज कर रहे हैं जिसका नाम जश्न रमजान है। माशाल्लाह जी। तो ये जो सीरीज है इसमें हम आपको तीन सवाल पूछेंगे जो इस्लाम के हवाले से होंगे। अगर आपने तीन में से दो सवालों का जवाब सही दिया तो आपको मिलेगा एक गिफ्ट। बिस्मिल्लाह करें। हाँ जी। किन पैगंबरों को मक्का में काबा तामीर करने का हुक्म जारी किया गया था? मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और जी और उनके बेटे नाम बता सकती है? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह इन्होंने दुरुस्त जवाब दिया है। आपके मालूमात में थोड़ा सा इजाफा करेंगे कि काबा शरीफ के सामने मकाम इब्राहीम मौजूद है जहां पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो पाए मुबारक हैं उनके इम्प्रिंट्स हैं, उनके निशानात हैं। आपसे दूसरा सवाल पूछे, तैयार है आप? जी बिल्कुल। वो कौन से पैगम्बर अलैहिस्सलाम थे वो परिंदों जानवरों की बोली समझते थे? ये मुझे पता है। ये कह रही है इनको पता है, नाम बताइए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसका आंसर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तमन जितमुत ये कि तमन उस हर कस मखलूकस पर कंट्रोल, तमस हवा को कंट्रोल कर सका, वो जिन्नियात को कंट्रोल कर सकते थे और तमस जानवर ने आवाज़ पर जनावान। बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने माशाल्लाह। कहाँ से पढ़ा है आपने कहीं से? जी बिल्कुल, ये कुरान में भी इसका जिक्र है। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया। चले इनसे तीसरा सवाल भी पूछते हैं। मदीना नाम आपने बेशक सुना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी बिल्कुल। मदीना शरीफ का एक और नाम है जिसका जिक्र कुरान शरीफ में भी किया गया है, क्या आप हमें मदीने का दूसरा नाम बता सकती है? आप कोई हिंट दे सकते हैं? एक नात शरीफ है उसमें जो मदीना है उसके दूसरे नाम का जिक्र है। गुंबद वाले और सोचे सोचे स्कूल, वापस आप स्कूल में जाए सोचे। मदीने को जाए जी चाहता शाहे मदीना। यसरब यसरब यसरब, बिल्कुल सही जवाब। यसरब इसका सही जवाब है। कौन सा नाचरी थोड़ा सा बताइए? शाहे मदीना। यसरब के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाल। माशाल्लाह बिल्कुल सही।
آپ سے بات کر کے دعا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہم اپنی ٹیم سے درخواست کریں گے وہ جلدی سے گفٹ لائے. بسم اللہ, یہ لیجیے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ ہم سے بات کرنے کے لیے. انہوں نے جیتا ہے جو کمل فوڈ سپائسز کی طرف سے انعامات دیے گئے ہیں ان میں سے ایک انعام. بہت شکریہ, دعا ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین, آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اندازہ لگایا ہوگا کہ ابھی ہم کہاں موجود ہیں, لیکن ایسے بھی ہمارے ویورس ہیں جو کشمیر سے باہر رہتے ہیں, ان کے لیے ہم یہ بتائیں کہ ابھی ہم موجود ہیں جامع مسجد سری نگر میں. شہر سری نگر کے وسط میں نوہٹا میں گزشتہ 610 سے زائد سالوں سے جامع مسجد کشمیر کی شان بنی ہوئی ہے اور کئی سالوں سے کئی تاریخی واقعات کی گواہی دے رہی ہے. لوگ یہاں ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوتے ہیں. تقریباً 33,333 سے زائد لوگ ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں. جامع مسجد کے چاروں اطراف وائڈ لینز جو ہے وہ پائی جاتی ہے اور بیچ میں ایک اسکوائر گارڈن ہے. ناظرین, جامع مسجد کی اگر بات کریں تو کشمیر کی جو آئیڈینٹیٹی ہے, جو پہچان ہے, اس میں جامع مسجد کا ایک بہت ہی زیادہ اہم رول ہے. کشمیر کے کونے کونے سے لوگ یہاں جامع مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں. ناظرین, میرے پیچھے یہ والا جو حصہ ہے یہاں پر خواتین نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ والا حصہ ہے وہ جامع مسجد کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو کیا شنا؟ میں شنا مصرا. مصرا. ہاں. اس میں تو تا کوتا کال کو یہ تن. بھائی اس میں ماشا میں کہ من دو من من دیو کیم داز. اچھا. آد کیا؟ تو شو یہ وانی رمضان کی. رمضان کی سرا. ہم اگر شنو تو آسان یہ تن کی. نہ تم بغیر چھ آسان ای جمعہ جمعہ. ٹھیک. اچھا. تو ان خطر سے یہ ڈیوٹی. یہ ڈیوٹی. ای چھ روزان یہ تن مردی کام جنٹسی. اچھا. میں چھ بنا تو دیر ہوپل کی دس. بالکل. لڑیز جو یا پر بس بھی چھ اس کو کرا بیچنا اس کو کرا. او ای حساب سے تو تمن ڈائریکشن دیوان تو ای کا پر چھ گس. گچھنا. صحیح چھ. صحیح صحیح. شکریہ. سٹا سٹا شکریہ. اس کا مہربانی مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ ذکرا. ذکرا. ذکرا کہاں سے آپ؟ فتح قدل سے. فتح قدل سے. یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ ہم نماز پڑھنے آئے تھے. نماز پڑھنے آئے تھے اور شاپنگ کرنے بھی آئے تھے. ہاں. کیا کیا خریدا آپ نے؟ ابھی ہم نے کچھ نہیں خریدا, پر پاؤ چاؤچ خریدنا ہے, سامان خریدنا ہے. ابھی کچھ نہیں خریدا؟ نہیں. اچھا, ابھی آپ نے نماز پڑھی. ہاں. یہاں نماز پڑھی؟ ہاں. کیسا لگا؟ اچھا لگا. آتے ہو یہاں نماز پڑھنے؟ ہم آتے ہیں. کب آتے ہو؟ ہم آتے ہیں بیچ بیچ میں, سنڈے سنڈے کو. سنڈے سنڈے آتے ہو. یہ صرف آپ رمضان کے مہینے میں آ رہے ہیں, اس کے بغیر بھی آتے ہیں؟ ہم اس کے بغیر بھی آتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. کس کلاس میں ہیں آپ؟ ہم ایٹھ میں. کوئی نعت شریف یاد ہے یا کچھ جو اسکول میں پڑھتی ہے ہمارے ناظرین کو سنائیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. بس ماشاء اللہ, بہت بہت اچھا. بتائے جامع مسجد جو ہے وہ صرف نمازوں کے لیے مشہور نہیں ہے, نماز پڑھنے کے لیے مشہور نہیں ہے, بلکہ یہاں کا جو مارکیٹ ہے اس کے لیے بھی یہ مشہور ہے. یہاں پر ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹرل مارکیٹ کہتے ہیں اس کو. یہاں پر آج بھی بہت سارے لوگ آئے ہیں شاپنگ کے حوالے سے, شاپنگ کرنے کے لیے, اور لوگوں کی تعداد آپ خود دیکھ سکتے ہیں. بات کرنے کے لیے بہت خوشی ہوئی اس بات کی. بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ ذوالقرنین. ذوالقرنین. کہاں سے آپ؟ حیدرپورہ سے. حیدرپورہ سے. یہاں کیا کرنے آئے ہیں جامع مسجد؟ بس ایسے آیا تھا, فیملی کے ساتھ آیا تھا اور نماز پڑھی, شکر اللہ کا یہاں پہ نماز بھی پڑھی. یہاں ہی پڑھتے ہیں یا آج آئے بالخصوص نماز پڑھنے؟ بیچ بیچ میں آتے ہیں, فرائیڈے کو آتے ہیں, یہاں کبھی جب کوئی یہ ہوتا ہے بڑا دن ہوتا ہے تب آتے ہیں. یہاں ہی آتے ہیں؟ ہاں کبھی یہاں آتے ہیں, حضرت بل بھی جاتے ہیں. تو جی جب ہم پہلے ایک بہن سے بات کر رہے تھے تو آپ وہاں ایک جھنڈ میں موجود ہیں. جی جی. تو آپ کو سمجھ آیا ہوگا یہ کس حوالے سے ہم یہاں پر. اسلامک ہے. جی جی. تیار ہے آپ؟ جی
बिस्मिल्लाह करें। चले, जो पहला सवाल है बहुत आसान सवाल है, शायद आपको मालूम होगा, क्या आप हमें बता सकते हैं वो कौन सी पहली मस्जिद है जिसकी बुनियाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी और कहाँ? इसमें थोड़ा पहली मस्जिद नबी आई थिंक या मस्जिद, थोड़ा आप टाइम ले, अच्छे से सोचे, हो सकता है जवाब मिले। जी जहाँ तक मुझे लग रहा है या तो मस्जिद नबी है या मस्जिद दुल हरम होगा, इन दो में से एक है। ये दो ही क्यों लग रही है आपको? क्योंकि ये बहुत मतलब इस्लाम की बहुत पुरानी मस्जिद है और हज़रत इमाम सल्लम के दौर में भी ये मस्जिदें थी। इससे पहले कोई मस्जिद जिसका आपने पढ़ा हो कहीं पर? इससे पहले थी जो हमारे यहाँ फलस्तीन में है, अल अक्सा मस्जिद थी, वो पहला किबला भी था, तो लेकिन बट वो उन्होंने उनसे पहले बनाई गई थी वो वाली मस्जिद। देखिए भाई, जो आपने जवाब दिया वो सही नहीं है, मगर मैं आपको थोड़ा सा वक्त और दूंगी, हो सकता है कि आप सोचें और जवाब दें। मस्जिद नबी, मस्जिद हराम, मस्जिद तूबा। बिल्कुल सही जवाब। इसका जो सही जवाब है वो मस्जिद कूबा ही है। पता है आपको कहाँ पर है? तो अरब में ही होगी, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट तो फिर कैसे याद आया आपको? दो तीन मस्जिदें थी जहन में, जो मुझे लग रहा था कि शायद मस्जिद नबी होगी। मस्जिद कूबा के बारे में कुछ पढ़ा है आपने? उतना तो नहीं पढ़ा, लेकिन ये पढ़ा है कि वो भी एक पुरानी मस्जिदों में से एक मस्जिद है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम की मस्जिद थी। नाज़रीन, बिल्कुल सही जवाब, इसका जो जवाब है वो मस्जिद कूबा ही है। ये दुनिया की पहली मस्जिद समझी जाती है। पहले ही दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मदीना, तो ये पहले ही दिन बनाई गई थी। कहा जाता है कि इसका जो पहला पत्थर है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही रखा था, और फिर इसका जो स्ट्रक्चर है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने मुकम्मल किया। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने पहला सवाल। अब दो सवाल बचते हैं, दो में से अगर आपने सही बोले तो आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, गिफ्ट लेके जाएंगे। कोशिश कर। आपने इसका जिक्र सुना होगा, जब भी हम कोई अहम डिसीजन लेते हैं तो ये नमाज हम अदा करते हैं, बिलखसूस जब हमारे जहन में कुछ डिलेमा होता है, ये करे या वो करे, फिर हम अक्सर वो नमाज पढ़ते हैं, या हमारे जो वालिदैन हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, अक्सर हमें यही नसीहत करते हैं कि अच्छा जी आप ये नमाज पढ़ें और देखें कि रिज़ल्ट क्या आता है। बता सकते हैं वो एक मखसूस नमाज का नाम क्या है? नाम तो ऐसे याद नहीं, लेकिन मैंने आपको पूरा तफसीलन बता दिया, बस आपको एक छोटा सा नाम बताना है। नमाज शुक्रन के, शुक्रन शुक्रन नमाज, शुक्रन तो शुक्रन से ही लगता है कि जब अल्लाह ताला का शुक्रिया करना होता है तब। याद नहीं आ रहा है पूरा। सलातुल शुक्र नहीं, आप नहीं बता सकते। एक तो सलातुल तस्बीह है, सलातुल तस्बीह हम उस टाइम नहीं पढ़ते हैं, बट ये है कि शुक्रिया, शुक्र के टाइम हम ये पढ़ते हैं। शुक्रिया, मगर याद, आपको जब कोई डिसीजन होता है ना, जी कभी जी ना कभी हम किसी शशोपंज में होते हैं, क्या करें? नाम याद नहीं आ रहा है मैम, बट ये है कि हाँ वो पढ़ते हैं हम सलात के टाइम, ये शुक्र मतलब शुक्र नमाज शुक्रन। मैं जवाब खुद दे दूं ताकि आपकी जो नॉलेज है हम आपको खाली हाथ नहीं, इसमें ये है कि नॉलेज आपको याद रहे। इस नमाज का नाम है इस्तिखारा, नमाज सलातुल इस्तिखारा। इस्तिखारा हम अक्सर पढ़ते हैं, अक्सर इसलिए जो हमारे वालदेन हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, अक्सर हमें यही नसीहत करते हैं जब हम बोलते हैं जी अच्छा हम बहुत परेशान हैं किसी बात को लेकर, किसी डिसीजन को लेकर, तो हमें यही नसीहत की जाती है आप इस्तिखारा करें, इस्तिखारा नमाज पढ़ें। सबसे अच्छा गिफ्ट वही है कि अगर आप इस्लाम के बारे में सीखोगे। जी जी कुछ भाई, आखिरी सवाल, मुझे उम्मीद है ये इसका जवाब आपको आएगा ही आएगा बहुत, क्योंकि ये हम सबको पता है। ठीक है, तैयार है? आखिरी सवाल हमारा ये होगा, हमारे आमाल लिखने के लिए अल्लाह ने फरिश्तों को रखा है जी, पता है जी। क्या आप बता सकते हैं उन फरिश्तों को क्या कहते हैं? मुनकर और नकीर, किरामुन कातिबीन। किरामुन कातिबीन ही उनको बोलते हैं। मुसलमानों का मानना है अल्लाह ने दो फरिश्ते, दो फरिश्तों को जमीन पर मौजूद हर फर्द, हर फर्द के लिए किरामन कातिबीन के तौर पर काम करने के लिए मुकर्रर किया है, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है। जी जी। और ये भी कहा गया है किरामन कातिबीन का मतलब है मुअज्जिज रिकॉर्डर्स। जी जी जी, जो हमारे दोनों आमाल लिखते हैं, चाहे वो बैड डीड्स हो या गुड डीड्स हो, वो दोनों लिखते हैं। आप
आपने जीता है एक गिफ्ट जो कि है अलोहा लर्निंग सेंटर से। अलोहा लर्निंग के बारे में सुना है? जी जी, बहुत अच्छा ये है, प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए। मैंने पहले बिल्कुल नाजिन आपको बताए, आपके लिए भी एक इंफॉर्मेशन जरूरी है कि अलोहा लर्निंग सेंटर जो है वो अभी नए एडमिशन, नए कोर्सेज जो है उनके एडमिशन जारी है, उनकी मुहिम जारी है। आप कभी भी जा सकते हैं, कोर्स अपना चूज कर सकते हैं और एडमिशन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने। अभी हम अपनी कोशिश बरकरार रख रहे हैं, आइए बात करेंगे हमारे साथ प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मान लिया। चलिए जी माइक लगाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आज़ला। आज़ला कहाँ से? आज़ला आप? आली कदर। आज़ला हम कश्मीर लाइफ से हैं और हमारी एक सीरीज जो आज से स्टार्ट हुई, इसमें हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि इस्लाम रिलेटेड होंगे। अगर आप तीन में से दो सवालों का सही जवाब देते हैं तो आपको मिलेगा एक गिफ्ट। कोशिश करने के लिए तैयार है? चलिए तो आपसे जो सवालों का सिलसिला है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तैयार है? बिस्मिल्लाह करें। एक सहाबी ऐसे हैं जिन्होंने कभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा है लेकिन फिर भी उनको सहाबी का लकब दिया गया है। जी हाँ, एक ऐसे शख्स का नाम मैं जानती हूँ, उनका नाम वो कभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले नहीं है। उनका नाम जी उवैस करनी। बिल्कुल सही जवाब है, हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका नाम है। आपको बताएं कि हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिले लेकिन उनको फिर भी सहाबी का लकब मिला, और जिन्होंने उनको ये लकब दिया वो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपको मज़ीद ये बताएंगे, शायद आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो, जब उन्होंने सुना कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जंग में एक दांत मुबारक शहीद हुआ था तो उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने सारे दांत तोड़ दिए थे। ये उनकी मोहब्बत थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। बहुत शुक्रिया। कहाँ पढ़ा था आपने? जी मैंने बहुत पहले अपने स्कूल में सुना था। स्कूल में सुना था और आपने अभी तक याद रखा है, माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया। एक सवाल का आपने सही जवाब दिया है, अगर आप अब दो में से एक सवाल का भी जवाब सही देते हैं तो आपको एक गिफ्ट मिलेगा, और अगर नहीं तो मुझे लगता है इनाम बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ ये है कि आपको एक इंफॉर्मेशन दी जाती है जो कि हमारे दीन के हवाले से है। बिल्कुल सही। चले दूसरा सवाल पूछें। कुरान पाक में एक आसमानी डिश का हवाला दिया गया है जो कि एक कौम को दी गई, क्या आप इस डिश, इस पकवान का नाम बता सकते हैं, और क्या आप ये बता सकते हैं किस कौम के लिए ये दी गई थी? मुझे लगता है मैंने सूरह बकरा में ऐसा कुछ सुना था लेकिन मुझे डिश का नाम याद नहीं आ रहा। सूरह बकरा में जिक्र है, सूरह बकरा में जिक्र है इस चीज़ का। जी मुझे लगता है जितना मुझे याद है सूरह बकरा में किसी डिश का जिक्र है लेकिन डिश का अच्छा, नाम याद नहीं। अच्छा डिश छोड़े, क्या आप उस कौम का नाम बता सकते हैं हमें? सूरह बकरा में बनी इसराइल का नाम, आई एम नॉट श्योर। फिर भी आप ट्राई करें। आप मुझे लगता है बनी इसराइल का ही जिक्र है तो उन्हीं के रिलेटेड है, उन्हीं कोई आसमानी डिश के लिए, बट आई एम नॉट श्योर द डिश एंड द। ट्राई कर सकते हैं आप, थोड़ा सा अगर जहन पे आप थोड़ा सा जोर दे हो सकता है आपको याद आए। बनी इसराइल मुझे बस डिश का नाम नहीं आ रहा। चले इनको इतना याद आ रहा है कि कौम बनी इसराइल हो सकती है। नाजी आपको बताए कि ये जो डिश है, ये जो पकवान है, इसका नाम है मनवसलवा। ओह यस जी, मनवसलवा नाम है इसका, जो कि बनी इसराइल, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम है उसके लिए नाजिल की थी। कुरान शरीफ में इसका जिक्र है जो कि आपने बताया, बिल्कुल सही था वो, और ये तब दी गई थी जब बनी इसराइल की कौम बहुत वक्त तक
एक ही खाना खा रही थी, फिर उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहा कि आप अल्लाह पाक से ऐसी कोई डिश मांगे, ऐसा कोई पकवान मांगे जो कभी ज़मीन पे आया ही ना हो। क्या आपको लगता है आप खाली हाथ यहाँ से जाएंगी या कुछ ना कुछ आपने साथ लिया? नहीं नहीं, बिल्कुल, मैंने काफ़ी सीखा आपकी बातों से, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, तो बिल्कुल मैं खाली हाथ तो नहीं जाऊँ। खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाएंगी। आखिरी सवाल रहेगा जी, शुरू करें। बिस्मिल्लाह, चले। आखिरी सवाल बहुत आसान सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ और मुझे उम्मीद है आप इसका जवाब बहुत बहुत जल्द दें, ठीक है? तैयार है? जी। आखिरी सवाल ये है, दुआए कनूत सुना होगा? जी जी, पढ़ती भी होंगी रोज। जी, बहुत आसान सवाल है, दुआए कनूत किस नमाज में पढ़ी जाती है? वितर की नमाज में। बिल्कुल सही जवाब, वितर की नमाज में दुआए कनूत पढ़ी जाती है, ये हम सबको पता था। वितर नमाज को पढ़ने की ताकीद फर्ज नमाज के बराबर है और अगर ये नमाज छूट जाए तो ये भी कहा गया है कि आपको ये कज़ा पढ़ना लाजमी है। और बहुत आसान सवाल आपके हिस्से में आया और आपने इसी जवाब के साथ गिफ्ट भी जीता, खाली हाथ नहीं जा रही आप, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी। चलिए, आपने आप वहाँ से यहाँ आइए, हम बहुत लोगों से दरख्वास्त कर रहे थे बार बार, प्लीज़ आइए हमारे साथ बात कीजिए, लेकिन लोग पता नहीं क्यों हिचकिचाते हैं जब वो कैमरा सामने देखते हैं। लेकिन मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन जब मैंने सुना कि ये रमज़ान के हवाले से बात हो रही तो मैंने सोचा एटलीस्ट बहुत शुक्रिया। ये टीम जल्दी से गिफ्ट दीजिए, ये इंतज़ार कर रही है। ये जो गिफ्ट है ये आपको मिल रहा है जामकेश व्हीकल लीड से, तो आप जाइए और बहुत शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के शुमारे में बस इतना ही, लेकिन ये सिलसिला यही नहीं थम रहा। हमारी कोशिश यही रहेगी रमज़ान के इस बाबरकत महीने में हम आप तक ये सीरीज़ पहुँचाएँ जिसका नाम है जश्न रमज़ान, और हमें उम्मीद यही है कि हमारी इस कोशिश से आपकी मालूमात में ज़रूर इजाफा होगा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस छोटी सी कोशिश को ज़रूर सराहेंगे और वैसे ही प्यार देंगे जैसे आपने हमारे पिछली सीरीज़ को सराहा। हमें आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगर आप ये सीरीज़ मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जो आपके तासुरात हैं कमेंट्स में ज़रूर शेयर करेगा। फ़िलहाल नाज़रीन, अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शेरवानी के साथ मैं सबरीन अशरफ, कश्मीर लाइव के लिए।